सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली के सबका उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पटीशन से सुनवाई कर जा रहा है। अदालत ने सीबीआई ईडी नू नोटिस जारी करके जवाब मंगया है। आम आदमी पार्टी के आगू मनीष सिसोदिया इस साल फरवरी में दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया सी। उसने जमानत लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी जमानत की अर्जी रद्द कर दी सी। सुप्रीम कोर्ट च पिछले महीने हुई सुनवाई दौरान जमानत पटीशनों से सुनवाई सितंबर तक टाल दी गई सी। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देंदे हुए अदालत तो जमानत की मांग की है। दिल्ली शराब घोटाले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसियां केंद्रीय जांच ब्यूरो ईडी द्वारा संभाली जा रही है। जदों तो सिसोदिया का नाम शराब घोटाले में आया भाजपा वालों आप लगातार घेरिया जा रहा है। इस तो पहला 14 जुलाई नूं सुप्रीम कोर्ट ने चल रहे मामले च सिसोदिया वालों मंगी गई जमानत सीबीआई अते ईडी तो जवाब मंगया सी। जस्टिस संजीव खन्ना अते जस्टिस एस वी एन पट्टी दी बेंच ने कहा सी कि सिसोदिया दी पत्नी दी मैडिकल रिपोर्ट देखण तो बाद लगता है कि वह स्थिर है, इसलिए मामलों में नियमित जमानत पटीशन के नाल सिसोदिया की अंतरिम जमानत पटीशनों पर विचार किया जाएगा। इस नाल दोवां जांच एजेंसियों को पटीशनों पर जवाब दाखिल करने लई होर समा मिलेगा।